गवर्नमेंट। अगर हम बात करते हैं गवर्नमेंट के बारे में तो सबसे पहले हमारे पास में आते हैं मोदी जी, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट और जितनी भी है ना होम मिनिस्टर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, है ना। जब भी हम इन सब के बारे में सुनते हैं तो मतलब गवर्नमेंट का नाम आते ही हमारे दिमाग में इतने सारे लोगों का नाम आना शुरू हो जाता है। मींस ये सारे लोग गवर्नमेंट कहलाते हैं, हमें ये भी पता है। जब आपको ये बेसिक फंडा पता है तो आपको गवर्नमेंट की डेफिनेशन फाइंड आउट करने में बहुत ही ज्यादा ईजी होने वाला है। बट हम अभी गवर्नमेंट की डेफिनेशन पढ़ रहे हैं एकदम स्टार्टिंग पर्सपेक्टिव से। चलो तो बिना किसी एक्स्ट्रा बकबक के आज का चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं जो कि है द गवर्नमेंट। और इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं द गवर्नमेंट कि एक्चुअल में गवर्नमेंट होता क्या है, क्योंकि अभी तक के हमारे पास गवर्नमेंट का मीनिंग ही यही है कि हम प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ रहे हैं, हम पीएम के बारे में पढ़ रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर और जितनी भी मिनिस्टर्स होते हैं, ठीक है, होम मिनिस्टर हो गया, फॉरेन मिनिस्टर हो गया और बहुत सारे मिनिस्टर्स के बारे में। तो हमारा सिंपल सा मतलब यही होता है कि ये सारे लोग ही हमारी गवर्नमेंट है। बट एक्चुअल में गवर्नमेंट क्या है, इसकी नीड क्यों है, हमें क्यों इम्पोर्टेंस है इनकी, और कब से गवर्नमेंट जो है वो फॉर्म हुई, फिर जो डिसीजन मेकिंग और जो पार्टिसिपेशन है गवर्नमेंट का वो देखेंगे, देन हमारे पास जो टाइप ऑफ गवर्नमेंट है एंड देयर फीचर्स, तो ये सारी चीजें हम फिर देखना स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का चैप्टर द गवर्नमेंट। हे एवरीवन, दिस इज मी ज्योति सोनी एंड वेलकम बैक विथ एन न्यू चैप्टर विथ अ न्यू चैप्टर। ठीक है, तो आज का हमारा नया चैप्टर है द गवर्नमेंट। अब हम गवर्नमेंट की डेफिनेशन प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और अदर जो मिनिस्टर्स हैं उनसे थोड़ा हट के पढ़ने वाले हैं। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि इस चैप्टर में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है, लेकिन एक बार फिर से मैं बता दूं कि इस चैप्टर में हमें गवर्नमेंट की मीनिंग, उसकी नीड क्यों है, उसकी क्या इम्पोर्टेंस है हमारी सोसाइटी में, उसका जो डिसीजन मेकिंग है, जो पार्टिसिपेशन है वो, और साथ ही साथ देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। जब हम न्योलिथिक मैन में आए, ठीक है, मैं हिस्ट्री से शुरू करना चाहूंगी, उसके बाद में आर्यन आए और फिर धीरे धीरे हमारे साथ में एक सेटल लाइफ शुरू हो गई। ठीक है, वैसे तो पॉलिटी जो है वो हमारी आफ्टर जो ब्रिटिशियस है उसके बाद में शुरू होती है। तो हमें पता है हमारे ऊपर जो है किसने मतलब सबसे ज्यादा मतलब हमें रन करना चाहिए, बोलना चाहिए कि हमारे ऊपर सबसे ज्यादा हुकूमत जो है वो ब्रिटिशियस ने चलाई। जब वो चले गए, हमारे पास एक सेटल लाइफ आई हमारी खुद की, और इतने सारे लोग जब एक ग्रुप में रहने लगते हैं तो हमें कहीं ना कहीं एक ऑर्गेनाइज्ड वे की जरूरत होती है कि कोई हमें एक प्रॉपर वे में ऑर्गेनाइज करे। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी हमारे पास में वी हैव अ ह्यूज ह्यूमन पॉपुलेशन विद अ वेराइटी ऑफ पीपल हैविंग डिफरेंट माइंडसेट। जब हमने सेटल लाइफ स्टार्ट करनी शुरू की तो हमारे पास में डिफरेंट माइंडसेट वाले डिफरेंट पीपल जो है, डिफरेंट वेराइटीज ऑफ पीपल जो है वो रहने लगी। तो डेफिनेटली इन्हें रन करने के लिए हमें किसी ना किसी एक मेंटेन करने के लिए, जो ह्यूमन सोसाइटी थी उसे मेंटेन करने के लिए कोई ना कोई एक इंसान चाहिए था, या कुछ ऐसा सोच चाहिए जिनसे हम इन सबको एक ऑर्गेनाइज्ड वे में रखे, इन्हें मेंटेन बना के रख सके, राइट। तो इन्हें मेंटेन करने के लिए, इन्हें सिक्योरिटी देने के लिए, पीस मेंटेन करने के लिए जो ह्यूमन सोसाइटी है उसके लिए, तो ह्यूमन सोसाइटी में से ही जो इलेक्टेड बॉडी होती है, जो उसको रिप्रेजेंटेटिव्स की होती है, हम उसे ही गवर्नमेंट कहते हैं। जैसे कि अभी अगर हम रिसेंटली डेज में देखें तो हमारी गवर्नमेंट जो है वो हमें हमारी जो पूरी कंट्री है उसे क्या करती है, उसे एक टू मेंटेन ऑर्डर करती है, ठीक है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है और साथ ही हमारी ह्यूमन सोसाइटी में पीस भी मेंटेन करती है। ठीक है, तो ये जो इलेक्टेड बॉडी ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स होती है हम इसे ही गवर्नमेंट कहते हैं, राइट। अब गवर्नमेंट तो ये हो गई भैया कि हमने इसे गवर्नमेंट कहा है क्योंकि हमारे पास बहुत सारे लोग हैं, मतलब अब इतने सारे लोगों में हम इतने पीसफुली सारी चीजें अरेंज नहीं कर सकते। जब हम दर बदर भटकते थे, मतलब खानाबदोश हुआ करते थे एक जगह से दूसरे जगह, तो हमें मेंटेन करने की जरूरत नहीं थी कि कोई आकर के हमें मतलब सुपरवाइज करे, कोई मेंटेन करे, उतनी नीड नहीं थी। लेकिन अब एक साथ में इतने लोग रह रहे हैं, एक ग्रुप में रह रहे हैं, एक पूरी कंट्री, तो इसे रन करने के लिए, इसे मेंटेन करने के लिए हमें एक ग्रुप की आवश्यकता है, वही रिप्रेजेंटेटिव्स जो है वो गवर्नमेंट कहलाते हैं।
तो चलो जी, गवर्नमेंट की डेफिनेशन तो हो गई एक जो नॉर्मल हमें चाहिए थी, टू मेंटेन ऑर्डर, प्रोवाइड सिक्योरिटी एंड मेंटेन पीस इन द ह्यूमन सोसाइटी, वी हैव एन इलेक्टेड बॉडी ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कॉल्ड गवर्नमेंट। अब हमने क्या कहा, वी हैव इलेक्टेड बॉडी ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, मार्क माय वर्ड्स, ठीक है। तो अब ये क्या हुआ, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव मतलब जो गवर्नमेंट है हमारे यहाँ पर, डेमोक्रेसी है हमें पता है, और इस डेमोक्रेसी में मतलब क्या हुआ कि जहां पर लोगों से खुद लोग चुने जाते हैं, ठीक है। लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा है कि इब्राहिम लिंकन जो है उन्होंने कहा था कि जब लोग खुद मतलब जो पीपल्स है वो खुद इलेक्ट करती है अपनी गवर्नमेंट, रिप्रेजेंटेटिव को चुनती है, तो वही हमारी गवर्नमेंट होती है और वो हमारे हमें हमारी सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, हमारे जितने भी काम हमारे बिहाफ पे जो भी काम होते हैं वो कंप्लीट करती है। तो गवर्नमेंट जो है वो हमारे द्वारा ही इलेक्ट होती है। फिर से अगर हम डिटेल में गवर्नमेंट देखें कि व्हाट इज अ गवर्नमेंट, तो हमने तो देख लिया कि एक रिप्रेजेंटेटिव है, मतलब लोगों द्वारा चुनी हुई है, उनकी रिप्रेजेंटेटिव है, इसे हमने गवर्नमेंट कहा है। लेकिन एक्चुअल में जो गवर्नमेंट है वो एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है जो कि कम्बिनेशन होता है किन चीजों का, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। अब आप वहां पर देखो कि हमने वहां पर एक लाइन पढ़ी थी कि जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उसे ही हम गवर्नमेंट कहते हैं, लेकिन उसी रिप्रेजेंटेटिव में हमारे पास तीन एलिमेंट्स होते हैं और ये एलिमेंट जो है वो इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके बीच में हमारे पास में एक लेजिस्लेचर है, ठीक है। अ गवर्नमेंट इज एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द स्टेट विच रन विद कम्बाइनेट एफर्ट ऑफ द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। अब ये क्या चीजें हैं, देखो जो लेजिस्लेचर होती है वो ये होते हैं कि जो आपके लिए कोई लॉ बनाती है, विद द हेल्प ऑफ दीज लॉज हम पूरी कंट्री के ऊपर से रन करते हैं और मतलब वो मदद करती है, वो जो लॉज होते हैं, जो रूल्स होते हैं, मतलब लॉ वही रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं उसमें जिसकी हेल्प से आप पूरी कंट्री को चला सकते हैं, ठीक है, मतलब एक मेंटेनेंस बना के रख सकते हैं। तो वो जो लॉज बनाता है, लॉ मेकर कौन होता है, वो होता है लेजिस्लेचर, ठीक है। अब जो लॉ बन गए हैं उसे एग्जीक्यूट कराना होगा, तो वो एग्जीक्यूट कौन कराएगा, तो एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट जो होता है ऑफ गवर्नमेंट वो इन लॉज को एग्जीक्यूट कराएगा, ठीक है। ऐसे जुडिशरी कि जब आपके कोई लॉज आप किसी से हट रहे हैं, आपको कोई जस्टिस नहीं मिल रहा है, तब आपके पास में आती है जुडिशरी और वहां पर आपको इसकी मतलब जुडिशरी जो है वो हेल्प करती है फॉर जस्टिस। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन कि हमें नीड क्यों है गवर्नमेंट की, तो भाई हमने डेफिनेशन में ही पढ़ चुके हैं कि हमारे पास में बहुत बड़ी पॉपुलेशन है और इतनी बड़ी पॉपुलेशन अपने आप काम नहीं कर सकती है, कोऑर्डिनेट नहीं हो सकती, तो इसे बांध के रखने के लिए, एक साथ काम करने के लिए, तो हमें जो है वो गवर्नमेंट की तो नीड होंगी ही क्योंकि वही गवर्नमेंट बॉडी जो है वो डिसीजंस ले सकती है, हमारे लिए रूल्स बना सकती है, हमारे बीच में पीस बना के रख सकती है और वर्किंग फॉर अस, क्लियर। एवरी नेशन नीड सम गवर्निंग बॉडीज विच कुड टेक डिसीजन एंड कीप द एडमिनिस्ट्रेशन मूविंग। इन मॉडर्न टाइम द फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट हैव अज्यूम्ड अ मच वाइडर स्कोप। कि भाई ये तो इम्पॉर्टेंट है, अगर हम बात करें कि हमारे पास में जो गवर्नमेंट है उसके जो मेजर अगर देखें तो कि हमारे पास क्या क्या यूजेस है, तो सबसे पहले तो वो रूल्स बनाएंगी और उसको रेगुलेट करेंगी, ठीक है, टू इनेक्ट एंड इम्पोज रूल्स एंड रेगुलेशंस। मैंने क्या कहा कि लेजिस्लेचर जो है मतलब एक जो गवर्नमेंट है उसके थ्री टाइप्स है, मतलब वो थ्री एलिमेंट्स है, एक गवर्नमेंट जो होती है वो तीन तरीके से काम करती है, एक तो उसका लेजिस्लेचर, दूसरा एग्जीक्यूटिव, ठीक है। और लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव जो होती है वहां वही लोग होते हैं जो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल्स होते हैं, जो हम जो नॉर्मल जनता है, जो पीपल्स है वो उन्हें इलेक्ट करती है, ठीक है। तो ये जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वही लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव में होते हैं, तो लेजिस्लेचर कुछ लॉज बनाती है तो उन्हें इनेक्ट एंड इन्फोर्स दीज लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस, तो ये गवर्नमेंट का काम होता है, ठीक है। और ये किस गवर्नमेंट का, ये काम होता है एग्जीक्यूटिव का, जो उनको बनाएंगी, मतलब इनेक्ट किसने कर दिया, मेकिंग लॉ किसने किया, लेजिस्लेचर ने, और फिर उन्हें इनेक्ट किसने किया, इन्फोर्स किसने किया, एग्जीक्यूटिव ने, टू प्रोटेक्ट द लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑफ द पीपल, डेफिनेटली
गवर्नमेंट का ये भी काम है, क्योंकि अब वो आपकी प्रॉपर्टी आपकी लाइफ को प्रोटेक्ट करके रखेंगी। हमने क्या बात की थी शुरू में, क्योंकि हमारे पास में एक बहुत बड़े मतलब बहुत ज्यादा पब्लिक है, बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, तो हम अकेले ये सारी चीजें नहीं कर सकते हैं। तो हमारे बीच में एक इक्वेलिटी हो, सब लोगों को बराबर राइट्स मिले, सब लोगों के बराबर मतलब क्या कहते हैं ना कि किसी का भी कुछ ना छूटे, सबके बीच में इक्वालिटी मेंटेन हो, राइट? तो इक्वालिटी मेंटेन करने के लिए भी गवर्नमेंट कहीं ना कहीं बहुत हेल्प करती है। टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन द नेशन, ठीक है? अब ये लॉ एंड जो ऑर्डर इन नेशन है, तो ये वही हुआ कि सबके बीच में एक इक्वालिटी भी लाएंगी, कहीं ना कहीं कई लॉ होंगे जो हर एक इंसान को इक्वल रखेंगे। जस्ट सपोज कि हमारी कंट्री में कोई भी गवर्नमेंट है ही नहीं, अगर आपके पास में कोई गवर्नमेंट नहीं है, कोई आपको कंट्रोल नहीं कर रहा है, कोई आपको प्रोटेक्ट नहीं कर रहा है, कोई आपको सिक्योरिटी नहीं दे रहा है, तो आपकी लाइफ कैसे हो जाएंगी? सपोज आपकी फैमिली में कोई हेड नहीं है, तो हमारी फैमिली कैसी होंगी? अभी हमने देखा ना यूक्रेन, वहां पे तो हेड थे, लेकिन एक वीक मतलब यूक्रेन और रशिया का जो वॉर था यहीं पे देखने को मिला। हेड होने के बाद में भी युद्ध हुए ना, जब आपके पास कोई हेड ही नहीं होगा तो फिर तो भाई कोई भी कंट्री आपके ऊपर अटैक कर दे। टू प्रोवाइड एडिक्यूट इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर फॉर द पीपल, ये तो अगला जो है वो हो गया, मतलब आपकी जो बेसिक नीड्स होती है वो प्रोवाइड करने के लिए भी, जैसे कि आपको रोटी कपड़ा मकान जो होता है, जो नीड्स है ना, फूड क्लॉथ हाउस, ये सारी चीजें प्रोवाइड करने के लिए भी है। टू कंट्रोल मार्केट प्राइजेस, जैसे कि आप आए दिन देखते हो ना कि कई लोग हड़ताल कर देते हैं, स्ट्राइक्स करते हैं कि भाई इसका प्राइस बहुत बढ़ गया है, उसका प्राइस ऐसे हो गया है, तो इसमें भी बैलेंस लाने के लिए कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ही जो है वो रोल प्ले करती है, ठीक है? पूरी कंट्री को कराने का मतलब स्मूथली चलाने के लिए जो है मेन काम वो गवर्नमेंट का ही होता है। टू रन पोस्टल रोडवेज एयरवे रेलवे सर्विसेज, अब हम इतना ट्रेवल करते हैं बाय रोड बाय ट्रेन बाय एयर, तो इन सबको भी मेंटेन तो करना ही पड़ेगा, तो ये सारा मेंटेनेंस का काम भी कौन करेगा? हमारी गवर्नमेंट। पुअर्टी रिमूव करना, अनएम्प्लॉयमेंट, इनइक्वालिटी, डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है? अभी हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था अनटचेबिलिटी के बारे में, राइट? तो अनटचेबिलिटी हो गया, कोई मतलब डिस्क्रिमिनेशंस हो गए, अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है, आप किसी के साथ में अनइक्वालिटी बिहेव हो रहा है, तो इन सारी चीजों को भी रिमूव करने के लिए गवर्नमेंट ही आएंगी। टू प्रोवाइड नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक रोड स्कूल हॉस्पिटल डेंस, अगर कहीं पे हॉस्पिटल नहीं होता है किसी गांव में, हम आए दिन न्यूज़पेपर्स में न्यूज टीवी न्यूज चैनल्स में देखते हैं कि भाई वहां पे हॉस्पिटल की कमी थी, ऐसा हो गया, रोड ऐसा है, रोड वैसा है, स्कूल अच्छे नहीं है, टीचर्स अच्छे नहीं है, स्कूल ही नहीं है, वहाँ स्कूल है तो टीचर्स नहीं है, तो बहुत सारे। तो ये सारा जो कोऑर्डिनेट करना है, जो फैसिलिटीज प्रोवाइड करना है, चाहे वो कोई भी हो, आपकी लाइफ प्रोटेक्ट करना हो, आपकी प्रॉपर्टी ऑफ द पीपल प्रोटेक्ट करना हो, आपके लॉज जो है उसे मेंटेन करना है, ऑर्डर इन द नेशंस है, आपको मतलब इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना है, पानी, वहाँ की पोवर्टी के ऊपर काम करना है, अनटचेबिलिटी इनइक्वालिटी अनएम्प्लॉयमेंट डिस्क्रिमिनेशन, कुछ भी हो, चाहे वहाँ पे आपको इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो प्रोवाइड कराना है, वो बेसिक कुछ भी हो सकता है, रोड स्कूल हॉस्पिटल, या आपके मार्केट में कुछ इन्फ्लेक्शंस वगैरह जो भी हो रहे हैं उसे स्मूथ करना है, बैलेंस करना है, या आपकी जो भी जो मतलब पोस्टल सर्विसेज है, रोडवेज है, एयरवेज है, इन सभी के बीच में तालमेल रखने के लिए, मतलब जितनी सर्विसेज है, जो भी फैसिलिटीज हमें प्रोवाइड हो रही है उसके बीच में तालमेल रखना, वो स्मूथली प्रोवाइड करना, ये सारे काम किसके होते हैं? गवर्नमेंट के, ठीक है? ये जो बेसिक नीड्स होती है ना हमारी, मतलब हमें खाना चाहिए, हमें अच्छा रहने के लिए घर चाहिए, ठीक है, हमें पहनने के लिए कपड़े चाहिए, तो एटलीस्ट बेसिक नीड्स तो प्रोवाइड करना, इवन एजुकेशन भी उसी में इंक्लूड होता है कि हमारे यहाँ जो पब्लिक है उसे मतलब जो बच्चे हैं उसे एजुकेशन मिले, तो ये भी गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। इसलिए आपको पता होगा कि कुछ ईयर तक के जो बच्चे हैं उन्हें फ्री एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। अब स्पेलिंग पूरी नहीं लिखा पा रही है कर्सल से, ओके? तो ये हमारे फीचर्स हो गए हमारी गवर्नमेंट के। ठीक
है। और जो बेसिक फैसिलिटीज होती है वो भी क्या होते हैं, गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। द बेसिक फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट फॉर कॉमन पीपल आर कॉल्ड सिविक, ठीक है, दे इंक्लूड वाटर सप्लाई, रोड, ब्रिज, रेलवे, रोडवेज। तो ये सारी बेसिक जो होती है वाली भी रिक्वायरमेंट्स होती है। ये फैसिलिटीज भी कौन प्रोवाइड कराता है, हमें हमारा हमारी गवर्नमेंट। जैसे कि मेरे घर के सामने की रोड खराब है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही है, तो मैं क्या करूंगी, मैं अपने वार्ड पार्षद को, विधायक को, ज्यादा से ज्यादा सांसद के पास जाऊंगी कि भाई बहुत दिक्कत हो रही है मेरे घर की रोड पे, बारिश हो जाता है, तालाब बन जाता है, प्रॉब्लम होती है निकलने में। अगर मुझे हॉस्पिटल चाहिए, मतलब मेरे आसपास हॉस्पिटल्स ही नहीं है, ठीक है, मुझे ट्रीटमेंट के लिए 50 किलोमीटर दूर जाना है, तो इसकी रिक्वायरमेंट, मतलब इसकी नीड भी पूरी करने के लिए मैं अपनी गवर्नमेंट के पास में ही जाऊंगी। या यूं कह ले कि गवर्नमेंट जो है फैमिली का वो हेड है, मतलब पूरी कम हमारी जो कंट्री है वो एक फैमिली हुई, और इस फैमिली का हेड जो है वो गवर्नमेंट हुई, जो उस पूरी फैमिली को लेके चलने वाला है। अब डिसीजन मेकिंग एंड पार्टिसिपेशन, अब गवर्नमेंट में डिसीजन मेकिंग भी आती है, ठीक है। फार्मिंग लॉज इन द मेन फंक्शन ऑफ द पार्ट फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट का सबसे बड़ा फंक्शन क्या होता है कि लॉज बनाना, ठीक है, मतलब लॉज बनाना तो होता ही है, मैंने आपको बताया। लेजिस्लेचर क्या करता है, वो लॉ मेकिंग करते हैं, ठीक है, वो डिसीजन बनाते हैं। अब लेकिन गवर्नमेंट में कौन लोग होते हैं, ठीक है, मतलब गवर्नमेंट जो होती है वो डिफरेंट काइंड ऑफ गवर्नमेंट्स होती है। कि कई कंट्रीज में क्या होता है कि वहां पर हेरिडिटिक सिस्टम चलता है, कहीं पे कुछ कहीं पे कुछ। इन इंडिया हमारे यहाँ डेमोक्रेटिक सिस्टम है, और डेमोक्रेटिक सिस्टम में ये होता है, हमारी कंट्री में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, कि जो जनता है, जो पीपल्स है, ठीक है, इंडिविजुअल्स ऑफ द कंट्रीज जो है इन द कंट्रीज, तो वही हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करती है। डेमोक्रेटिक कंट्री में ये होता है कि आपके जो भी, मतलब आप जो गवर्नमेंट चाहते हैं आप खुद, जैसे इलेक्शंस होते हैं, हम बोलते हैं ना भाजपा आ गई है, कांग्रेस आ गई है, तो कहीं पे टीएमसी आ गई है, कहीं पे कोई कहीं पे कोई, तो इसका मतलब यही होता है, हमारे इलेक्शंस होते हैं, हम खुद उन्हें इलेक्ट करते हैं कि भाई हमें किसके द्वारा अपने काम निकालने हैं। तो पीपल इन डेमोक्रेटिक कंट्री देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, ठीक है। अब ये क्या करते हैं, ये गवर्नमेंट में आते हैं और फिर वो रूल्स बनाते हैं, ठीक है, मतलब ये यहाँ पर रूल्स और रेगुलेशंस बनाते हैं। इनडायरेक्टली अगर मैं बात करूँ तो जो पीपल्स है वो इनडायरेक्टली खुद पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है, डिसीजन मेकिंग में, बट इनडायरेक्टली कैसे, क्योंकि वो अपने तरफ से एक ग्रुप में से कुछ लोगों को चूज कर लेते हैं कि भाई जाओ तुम हमारे प्रतिनिधि हो, तुम हमारी बातों को रखना। अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए सिंपल सा एग्जाम है, जब इलेक्शंस आते हैं तो हमारे घर घर पे लोग पर्चा लेकर के आते हैं और वो कहते हैं हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे, राइट। तो हम क्या सोचते हैं कि भैया लोगों ने तो हमसे वादे किए हैं, ये हमारी बात को आगे रखेंगे, हमें नल चाहिए, हमें रोड चाहिए, हमें हॉस्पिटल, स्कूल, व्हाटएवर वी वॉन्ट, ठीक है, हमें ये चीजें चाहिए, तो हम इस रिप्रेजेंटेटिव को लेते हैं, हम इसको जिताते हैं और ये वहां पर जाएंगे और वहां पर हमारी बात को रखेंगे और बात रखेंगे, तो ये जो लिस्ट बनी हुई है हमारी टू डू लिस्ट, ये हमारी कंप्लीट हो जाएंगी। मतलब क्या हुआ, इस पूरी कॉलोनी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने इस इंसान को चुना और ये इंसान हमारे पॉइंट्स को लेकर के गया यहाँ पे, इसीलिए हमने ये बात कही है कि हमारा जो रिप्रेजेंटेटिव होता है वो हमारे द्वारा इलेक्ट हुआ होता है और इसके थ्रू हम वहां पर पार्टिसिपेट करते हैं, मतलब ये हमारी बात जो है वहां पे रखता है। पार्टिसिपेशन ऑफ द सिटीजन इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ऑफ द गवर्नमेंट इन द फाउंडेशन ऑफ एनी डेमोक्रेटिक कंट्री, ठीक है, मतलब इनडायरेक्टली तो आप पार्टिसिपेट कर ही रहे हो वहां पे। हियर बिफोर मेकिंग एनी पॉलिसी, अब कोई डिसीजन आता है, ठीक है, अगर कोई लॉ बना है, हमें पता है कि हमारी जो लेजिस्लेचर है, ये तो हमने यहाँ पर पार्टिसिपेशन ऑफ जो पीपल है उसका देख लिया कि भाई वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वहां पर पार्टिसिपेट कर ही रही है, क्योंकि उसने अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजा है और उसके साथ में अपने पॉइंट्स रखे हैं कि भाई हम ये चाहते हैं, अगर आप ऐसा काम नहीं करेंगे तो हमने आपको सत्ता में लाया है और हम आपको वहां से हटा भी सकते हैं। अब बात आती है हमारा जो मेन डिसीजन मेकिंग है, जो लॉ मेकिंग है वो, ठीक है, अगर हमें कोई भी एक्ट लाना है, कोई बिल लाना है, तो उसके लिए वो कैसे प्रोसेस होती है। सपोज मैं अभी लेकर के आती हूँ, जैसे कि हमारे पास में एक किसान बिल आया था अभी कुछ टाइम पहले, ठीक है, एक पॉलिसी थी तो वो एक बिल था, राइट,
किसान एक्ट आया था, तो पहले वो बिल था, अब उसके ऊपर बात करते हैं। अब लेजिस्लेचर के ऊपर मैंने आपसे समझाया था कि लेजिस्लेचर में क्या होता है कि वहां पर लॉ को बनाया जाता है, ठीक है। लेजिस्लेचर में आप दो देखेंगे, लोकसभा और राज्यसभा, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर, ये सब। तो लेजिस्लेचर क्या करेंगी, वो लॉ बनाएंगी, एग्जीक्यूटिव क्या करेंगी, उस लॉ को एग्जीक्यूट करेंगी इन पब्लिक, राइट। तो लेजिस्लेचर में क्या हुआ, इन्होंने एक लॉ बनाया, एक लॉ आया, मतलब सिर्फ एक फॉर्म किया है, बना नहीं है, कंप्लीटली हुआ नहीं है। अब जो गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस होंगे, तो अब लेजिस्लेचर में इसके ऊपर डिबेट होगा, ठीक है। अब इतने सारे ये जो लोग बैठे हुए हैं, अब इतने सारे लोगों में यहाँ पर इसके ऊपर डिबेट होगा। कुछ लोगों को ये चीजें पसंद आएंगी, ये जो पॉलिसी आई है, कुछ लोग इसके ऊपर एग्री हो जाएंगे एंड सम आर नॉट एग्री, ठीक है। कुछ लोग इस पे एग्री नहीं होंगे। तो अब क्या होगा, जिसकी मेजोरिटी रहेंगी, एक पॉलिसी आई है, सपोज ये मेरी एक पॉलिसी मैंने लेके आई हूँ, मैं किसान बिल लेकर के आई हूँ या CAA लेकर के आ गई हूँ, अगर मेरे पास मेजोरिटी है लोगों के पसंद आने की, दैट मीन कि ये लोगों को पसंद आया है और मेजोरिटी है कि हाँ ये पॉलिसी को पास कर दिया जाए, तो ये जो पॉलिसी है ये एक्सेप्ट हो जाएंगी और ये डिसीजन जो है ये फाइनल मान लिया जाएगा, राइट। तो ये पूरे ही लेजिस्लेचर में होगा, देन इसको एग्जीक्यूट कराया जाएगा। लेकिन अगर इसे मेजोरिटी नहीं मिल रही है, इसकी मेजोरिटी है कि लोगों को ये पसंद नहीं आया है, तो ये पॉलिसी जो है वो यहीं खत्म हो जाएंगी, इसे नहीं होगा। हम इसको थोड़ा और डिटेल प्रोसेस में देखेंगे कि कैसे राज्यसभा से बिल पास होके जाता है लोकसभा में, फिर वहां से प्रेसिडेंट इसके ऊपर अपनी साइन करता है। तो ये बात की बात है, अभी हम सिर्फ एक नॉर्मल प्रोसेस में देख रहे हैं कि जब भी कोई पॉलिसी आती है तो ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं, डिबेट इन द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डिबेट इन द लेजिस्लेचर, द व्यूज ऑफ मेजोरिटी रिप्रेजेंटेटिव बिकम द कलेक्टिव डिसीजन एंड इज एक्सेप्टेबल बाय ऑल। कि जो भी मेजोरिटी रहेंगी, अगर 100 लोगों में से 70 लोगों ने इसे पसंद कर लिया है, इसे अपना मतलब परमिशन दे दिया है, तो ये जो पॉलिसी है ये आगे चली जाएंगी, यह पास हो गई, हमने इसको एक्सेप्ट कर दिया है और सब लोगों द्वारा इसको एक्सेप्ट किया है। तो इस तरीके से गवर्नमेंट में कोई भी डिसीजन मेकिंग होती है, ठीक है, किसी एक के द्वारा नहीं होती है कि मोदी जी ने कह दिया कि भैया आई एम अ प्राइम मिनिस्टर तो मैं बस डिसीजन ले लूंगा। डेफिनेटली वो प्राइम मिनिस्टर है, उनके पास राइट्स है, बट वो सजेशन रख सकते हैं, उसके ऊपर सारा जो रिप्रेजेंटेटिव्स है गवर्नमेंट के, ठीक है, हमारे बिहाफ पे ये जाके मतलब चूज करते हैं क्योंकि हमने इन्हें चूज किया है। हालांकि ये बात डिफरेंट है कि बाद में ये आपको भूल जाए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डिसीजन मेकिंग। अब इसके बाद में आता है कि भाई डिसीजन मेकिंग तो आपने देख लिया कि गवर्नमेंट कैसे करती है। हाँ, जो गवर्नमेंट के बाद में जो लेवल्स है, मतलब लोकसभा से राज्यसभा में या राज्यसभा से लोकसभा में जाना और फिर प्रेसिडेंट को मिलके ये फाइनल होना। चलो एक बार मैं शॉर्टकट में बता दूं, कोई भी एक्ट आता, बिल आता है, ठीक है, अगर वो राज्यसभा में आता है, ठीक है, या वो लोकसभा में आता है, तो वहां से 2/3 इसकी परमिशन उसे मिलनी चाहिए कि यहाँ के जो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल है, अगर 2/3 लोगों ने इसको परमिशन अलॉट कर दी है, फिर ये जाता है लोकसभा में, ठीक है, अगर लोकसभा में था तो राज्यसभा में आएगा, फिर यहाँ से भी वैसे ही इसको परमिशन मिलती है कि हाँ मतलब ये एक्ट सही है, वी आर एग्री विथ यू, एग्री विथ दिस बिल, तो ये आगे जाता है और ये आगे जा करके फिर यहाँ पर प्रेसिडेंट के पास में आता है और प्रेसिडेंट भी इससे एग्री हो जाता है, तो उसके ऊपर साइन कर देता है और एग्री हो जाता है एंड बिल बिकम्स एक्ट। क्लियर, ये प्रोसेस होती है एक्चुअल कोई भी पॉलिसी की। लेकिन हमने सिर्फ बात की थी डिसीजन मेकिंग की, तो डिसीजन मेकिंग में आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि डिबेट होता है इनके बीच में और फिर जिसको मेजोरिटी मिलती है, सेम यहाँ पे भी मेजोरिटी वाला केस चल रहा है, तो जैसे ही इनको मेजोरिटीज मिलेंगी तो वैसे ही वो चीज जो है वो पॉलिसी एक्सेप्ट हो जाएंगी, वो आगे बढ़ेंगी, करेक्ट। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं वेरियस लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, कि भाई गवर्नमेंट के बहुत सारे लेवल्स होते हैं। अब वो लेवल क्या होते हैं, डेफिनेटली इतनी बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री है और इतने सारे पॉपुलेशन है, तो एक गवर्नमेंट तो उसे रन नहीं कर सकती। तो क्या एक गवर्नमेंट नहीं कर सकती तो हम ढेर सारी गवर्नमेंट रखेंगे, बिल्कुल नहीं। एक्चुअली यह है कि इतनी बड़ी कंट्री है और हमें पता है कि हमने क्या किया है, स्टेट मिलकर के हमारी जो है पूरी इंडिया इंडिया बनी है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने जो लेवल है वो डिवाइड करके रखे हैं, एक तो हमारे पास होती है नेशनल लेवल गवर्नमेंट, द सेकेंड वन इज स्टेट लेवल गवर्नमेंट और थर्ड वन इज लोकल जो है सेल्फ गवर्नमेंट। अब इन तीनों गवर्नमेंट को समझने के लिए हमें थोड़ा सा एक चीज समझेंगे हम, वो क्या,
एक सेकेंड में इसे इरेज कर दूं थोड़ा। सॉरी हमें पता है कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो हमें पूरे कंट्री को रन करती है, राइट। हमारे पास इतनी बड़ी कंट्री ह्यूज पॉपुलेशन, राइट। तो अब क्या हुआ कि अच्छा उसके पहले अभी हम बात कर ले कि हमारे पास में क्या है। हमारे पास एक स्टेट है, ठीक है। स्टेट के बाद में हमारे पास कंट्री है, और उस स्टेट में भी हमारे पास बहुत सारी डिस्ट्रिक्ट है, बहुत सारी अलग अलग है, राइट। तो अब यहाँ पे क्या हुआ भाई, कर्सल तो मिल जाए तो इतनी सारी, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, ब्लैक लेती हूँ मैं, वो व्हाइट दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है। तो इतने सारे को एक साथ अब रन नहीं कर सकते, तो इसीलिए हमने क्या किया, हमारे कंफर्टेबल के लिए, क्योंकि इंसान बहुत आराम पसंद है, वो अपने कंफर्टेबल जोन में आने के लिए कुछ भी कर सकता है। तो हमने क्या किया, हमने जो गवर्नमेंट है उसको 3 लेवल में बांट दिया। एक तो पूरी इंडिया के लिए हो गया, अगर हम सिर्फ अभी इंडिया के ऊपर लेकर के बात चले तो, ठीक है। एक स्टेट लेवल पे काम करेगा और एक जो है लोकल लेवल उसके ऊपर काम करेगा, मतलब नेशनल लेवल पे, मतलब यहाँ पे जो भी डिसीजन मेकिंग होंगी, जो भी लॉज मेकिंग होंगे, जो कुछ होगा वो एप्लीकेबल होगा ऑन ऑल ओवर इंडिया, राइट, ऑल ओवर कंट्री। अभी हम सिर्फ कंट्री के ऊपर बात करें, राइट। तो नेशनल लेवल हमेशा किसके ऊपर काम करेगा, पूरे ही नेशन के ऊपर काम करेगा, जो भी इसके डिसीजंस होंगे, जो भी लॉ मेकिंग होंगी, एवरीथिंग, हर चीज जो है वो नेशनल लेवल पर होंगी। फिर हम बात करें कि नेशनल लेवल पे तो ऊपरी तौर पे हो गया कि यहाँ पे हो गया, लेकिन उन लॉज को स्टेट में सर्कुलेट करने के लिए भी हमें कोई चाहिए, तो इसी के हाथ के नीचे एक गवर्नमेंट आती है, वो होती है स्टेट लेवल, ठीक है। अब ये अलग, अच्छा ये बात मैं बाद में बताऊं कि जरूरी नहीं कि जो नेशनल लेवल पे जो गवर्नमेंट चल रही है उसी के मतलब उसी के ग्रुप मेंबर जो है वो स्टेट लेवल पे हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप स्टेट लेवल पे अलग गवर्नमेंट चूज कर सकते हो, क्योंकि आपको तीनों ही लेवल पे, तीनों लेवल पे हो सकता है ये, चाहे आप लोकल लेवल पे ले, नेशनल लेवल पे ले, स्टेट लेवल पे, ठीक है। कहीं ऐसा है जैसे कि अभी हमारे पास नेशनल लेवल पे बीजेपी चल रही है, लेकिन कुछ स्टेट में हमारे पास अलग अलग है, कहीं कांग्रेस है, कहीं बीजेपी है, कहीं टीएमसी है, कहीं कोई है, कहीं कोई है, तो ये कुछ भी हो सकती है। लेकिन जब भी वो गवर्नमेंट फॉर्म में आ जाती है, जैसे यहाँ पर कांग्रेस जो है वो जीत गई, मतलब किसी स्टेट में, ठीक है, सपोज मैंने एमपी की बात की और एमपी में जो है वो कांग्रेस है, राइट। लेकिन यहाँ पे तो बीजेपी है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर बीजेपी काम कर रही है और यहाँ पे एमपी कर कांग्रेस कर रही है तो बीजेपी वाले एमपी में कोई काम नहीं करेंगे, बिल्कुल ऐसा नहीं है। अब इन्हें साथ में काम करना है। अगर मैं एमपी के रिगार्डिंग बात करूँ तो बीजेपी और कांग्रेस को कॉर्पोरेट करना पड़ेगा, दोनों को तालमेल बैठाना पड़ेगा साथ में काम करने के लिए। ये डिफरेंट बात है कि इनमें कितने भी कटाक्ष हो, कितने भी तालमेल सेट ना हो रहे हो, बॉन्डिंग नहीं हो रही हो, बट इन्हें साथ में टुगेदर काम करना ही पड़ेगा, क्लियर। सिमिलरली जो लोकल लेवल है उसके ऊपर भी आता है, तो नेशनल लेवल वर्क करेगा नेशनल लेवल पर, स्टेट लेवल सिर्फ स्टेट के लिए करेगा, और जो लोकल लेवल गवर्नमेंट है, मतलब जो गांव हो गए, जो छोटे शहर हो गए, तो वो लोकल लेवल गवर्नमेंट्स आ जाती है। चलो थोड़ा और डिटेल में थोड़ा अच्छे से पढ़ ले। ऑल द इम्पॉर्टेंट डिसीजन कंसर्निंग द होल कंट्री आर टेकन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एट द नेशनल लेवल, ठीक है। जितने भी डिसीजन होते हैं इम्पॉर्टेंट, जैसे कि CAA आया, किसान बिल आया, जितने भी इम्पॉर्टेंट एक्ट आते हैं, बिल आते हैं, जो भी इम्पॉर्टेंट डिसीजन होते हैं, वो सारे हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा लिए जाते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट मीन्स नेशनल लेवल पर, ठीक है, मोदी जी या प्रेसिडेंट, तो इन्हीं के द्वारा लिए जाते हैं और फिर इन्हें सर्कुलेट किए जाते हैं। स्टेट और लोकल लेवल पर वो डिसीजन लिए जाते हैं जो सिर्फ वहीं पे काम आते हैं, राइट, और वो वहीं के लिए इंपॉर्टेंट हो। अगर वहां पे भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हुआ तो वहां पर इंटरफेयर कौन करेगा, नेशनल, ठीक है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट में इंटरफेयर कर सकती है, उसे पूरा पूरा राइट है। तो जितने बड़े बड़े काम है, जितने भी, मतलब देखो, क्योंकि नेशनल लेवल जो है वही डील करेगा बाहर की फॉरेन कंट्रीज के साथ में, ठीक है, जितने भी बाहर से रिलेटेड भी काम हुए फॉरेन से रिलेटेड, तो उसे कौन डील करने वाला है, सेंट्रल गवर्नमेंट, राइट। अब हम अगर बात करें स्टेट लेवल पर, तो स्टेट लेवल पे जितने भी डिसीजंस होते हैं, ठीक है, वो सारे कौन लेता है, स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। अगर बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट कोई डिसीजन है तो वो वापस से सेंट्रल गवर्नमेंट ही लेंगी, वहां पर इंटरफेयर नहीं होगा इनका। जैसे कि अगर कोई दो स्टेट के बीच का डिसीजन है तो ये स्टेट ले या वो स्टेट ले, तो बेटर है कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही ले ले, ठीक है। फिर हमारे पास में एक लिस्ट बनी हुई है कि किस मैटर्स पर
स्टेट गवर्नमेंट बात करेंगी, किस मैटर्स पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो बात करेंगी, और कुछ मैटर्स ऐसे हैं जिसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट और जो नॉर्मल हमारी गवर्नमेंट है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट और जो स्टेट गवर्नमेंट है, उन दोनों ही टॉपिक पर मतलब बात हो सकती है। वो टॉपिक अलग से बीच में कॉमन टॉपिक्स रखे गए हैं, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द डिसीजन कंसर्निंग अ पर्टिकुलर स्टेट लाइक असम, महाराष्ट्र एक्सेट्रा, मतलब कोई भी स्टेट हो, हाँ, टेरिटरीज के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट ही काम करेंगी, ठीक है। वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली स्टेट, नॉट टेरिटरीज, राइट। तो जितने भी स्टेट मतलब स्टेट्स हैं, तो उसके डिसीजन जो है वो स्टेट गवर्नमेंट लेंगी। अब मैं मतलब जो क्या कहना चाहिए, डाउट है वो क्लियर कर दूं कि स्टेट गवर्नमेंट कौन है और जो गवर्नमेंट है मेन सेंट्रल गवर्नमेंट वो। जब हमारे इलेक्शंस होते हैं, राइट, इलेक्शन होते हैं, और फिर उसके बाद में क्या होता है, हमारे में दो बार इलेक्शन होते हैं। एक बार हमारे पास में कौन चुना जाता है, सीएम, राइट, हमारे यहाँ का सीएम। और दूसरी बार में क्या डिसाइड होता है कि मतलब एक बार जो पार्टी आती है तो उसका जो लीडर होता है जिसकी गवर्नमेंट बनती है, तो स्टेट में जिसकी गवर्नमेंट बनेगी तो उसका जो रिप्रेजेंटेटिव है वो कौन बनेगा, मतलब जो उसका नेता है, ठीक है, तो वो सीएम बन जाएगा। और पूरे इंडिया में जो मतलब जिसकी पार्टी बनती है तो उसका जो मतलब मेन लीडर है वो कौन बनता है, पीएम, ठीक है। जब सीएम वाला जो सत्ता है ना, तो उसे हम स्टेट लेवल पे बात करते हैं कि भैया ये हमारी जो राज्य सरकार है, स्टेट गवर्नमेंट है, वो बनी है, ठीक है। फिर जब यहाँ पर ये वाली बात आती है ना, तो इसे हम कहते हैं कि ये हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट बनी है, ठीक है। तो ये जब पीएम वाला आता है तो पीएम जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट में काम करते हैं, ठीक है। ये डाउट हो गया क्लियर। चलो, तो स्टेट गवर्नमेंट क्या काम करती है और सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, ये हो गया। अब इसके बाद में हमारे पास में बहुत सारे और टॉपिक्स आते हैं जो लोकल होते हैं, लोकल गवर्नमेंट, मतलब जो ग्राम पंचायत होती है, नगर पालिका होती है, तो यहाँ पर पे भी कोई ना कोई लीड करने वाला होता है और इसे हम कहते हैं लोकल गवर्नमेंट, ठीक है। तो जो सिटी, टाउन, विलेज, ये सारी जो डिसीजन कंसर्निंग होती है, तो यहाँ पर जो काम कर रही है गवर्नमेंट वो कहलाती है लोकल गवर्नमेंट। इन दिस वे द गवर्नमेंट वर्क इन अ कोऑर्डिनेशन अमंग देमसेल्फ, राइट। तो इस तरीके से जो तीनों गवर्नमेंट है वो मिलकर के कंट्री चलाती है। डजंट मैटर कि यहाँ पर बीजेपी है, वहां कांग्रेस है, वहां टीएमसी है, या वहां पे कोई और दूसरी नेशनल पार्टी है, तो ये मैटर नहीं करता है। जब ये गवर्नमेंट में आ जाती है तो इन्हें कहीं ना कहीं मतलब कोऑर्डिनेट करके एक साथ में काम करना होता है, क्लियर, मतलब तीनों गवर्नमेंट मिलके। या यू कहें तो हम जो इसका ये जो तीनों लेवल है ना, इसको सिर्फ इजी किया गया है, क्योंकि सिर्फ एक जो है पूरे साथ में पूरे को लीड नहीं कर सकते। जैसे हम स्कूल के प्रिंसिपल की बात करें, ठीक है, स्कूल प्रिंसिपल क्या करता है, पूरे ही स्कूल को रन करता है, ठीक है, लेकिन वो पूरे स्कूल को रन एक साथ में किसकी हेल्प से करता है, जो अलग अलग टीचर्स होते हैं, तो वो क्लास टीचर डिवाइड कर देता है कि ये जो सर है वो क्लास 10th को देखेंगे, वो सर जो है वो क्लास 9th को देखेंगे, वो मैम क्लास 8th को देखेंगी। तरीके से हमारे पास में भी सिस्टम को हमने डिवाइड कर दिया है, क्लियर। बस स्कूल में हमारे पास वोटिंग नहीं होती है, प्रिंसिपल अपॉइंट करते हैं, लेकिन हमारे पास में यहाँ पर एक फैसिलिटी है कि हम अपना जो हमें हेड है, जो हमें मतलब लीड करने वाला है, उस रिप्रेजेंटेटिव को हम खुद चूज कर सकते हैं। ये फैसिलिटी हमें प्रोवाइड है बाय आर कॉन्स्टिट्यूशन। और जो गवर्नमेंट है, एक सेकेंड, कॉन्स्टिट्यूशन से याद आया कि जो भी रूल्स और रेगुलेशन बनते हैं वो किसके बिहाफ पे बनते हैं, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बिहाफ पे बनते हैं। तो हमारा जो सुप्रीम लॉ है, ठीक है, तो हमारा सुप्रीम लॉ कौन है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। तो हम कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर ही काम करते हैं, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में सारी चीजें गिवन हैं कि कौन कैसे काम करेगा, कौन कैसे नहीं। हाँ, जो रूल्स बनते हैं, रेगुलेशन, जो लॉज बनते हैं, पॉलिसीज आती हैं, वो अलग से होती है, लेकिन ऑलमोस्ट सारी चीजें जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन है, जिसकी हेल्प से हम गवर्नमेंट चलाते हैं, राइट। गवर्नमेंट के भी क्या रूल्स है, क्या ड्यूटीज है, स्टेट गवर्नमेंट के क्या रूल्स है, ड्यूटीज है, ये सारी चीजें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी मेंशन है। अब हम थोड़े से और आगे बढ़े, हाँ ठीक है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन की बात अच्छा मैंने कर दी। ऑल दिस गवर्नमेंट्स ड्रॉ देयर पावर एंड फंक्शन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन, दे वर्क इन देयर डेफिनेट स्फीयर ऑफ द इन्फ्लुएंस टू अवॉइड एनी क्लेश और कंफ्यूजन। द सेंट्रल गवर्नमेंट वील्ड्स मोस्ट ऑफ द पावर रिक्वायर्ड टू रन सच अ वास्ट कंट्री लाइक इंडिया। जो मैंने आपसे बात कही कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है यहाँ पर सारे पावर फंक्शन जो है वो ड्रॉ है ऑलरेडी, और हम इसी के अकॉर्डिंग काम करते हैं ताकि हमारे पास में कोई कंफ्यूजन नहीं हो, कोई क्लेश क्रिएट नहीं हो, क्योंकि जब हम तीन लेवल पे बात कर रहे हैं, लोकल, स्टेट,
सेंट्रल के ऊपर, तो कहीं ना कहीं इनके बीच में कोई ना कोई फाइट वाला जो तो क्रिएट होना ही है। तो इन सबको हटाने के लिए भैया हमारे पास में हमारी गीता दी हुई है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनली गीता जो है उसे कॉन्स्टिट्यूशन ही कहा जाता है, जो संविधान है हमारे लिए गवर्नमेंट के लिए गीता ही हुई, क्योंकि यहाँ पर सारी चीजें गिवन है, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, किस वे में करना है और आपको किसको सबसे ज्यादा मेन प्रेफरेंस देनी है, सारी चीजें यहाँ पर है। तो मतलब डाउट और कंफ्यूजन्स का कोई सवाल ही नहीं उठता है, हालांकि मैंने बहुत ज्यादा गुदागर्दी कर दी है। अब हम बात करते हैं हमारी गवर्नमेंट के ऊपर। हमने लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट के ऊपर तो बात कर ली है कि गवर्नमेंट के कितने लेवल्स होते हैं, लेकिन गवर्नमेंट के टाइप्स भी होते हैं। ठीक है, हमने गवर्नमेंट देखी कि गवर्नमेंट क्या होती है, कि जो पूरी कंट्री को सर्कुलेट करती है, उसको प्रोटेक्ट करती है, उसके लिए काम करती है। सिंपल सी बात है, या गवर्नमेंट को हम इतना बोलते हैं कि वो हमारे लिए काम करती है, वो हमें प्रोटेक्ट करती है, हमें सिक्योरिटी देती है, ये सारी चीजें। लेकिन गवर्नमेंट के भी बहुत सारे टाइप होते हैं इन डिफरेंट कंट्रीज। ठीक है, अब मैं आपको जो जो गवर्नमेंट के टाइप्स पढ़ा रही हूँ, आप कमेंट में मुझे बताएंगे कि ये गवर्नमेंट जो है, ये टाइप जो है, वो किस कंट्री में यूज किया जाता है, फॉलो किया जाता है, राइट? तो सबसे पहले आता है मोनार्ची, राइट? तो मोनार्ची में क्या होता है कि जो गवर्नमेंट टाइप है, यहाँ पर बहुत ही एंशियंट और मिडाइवल टाइप से जो है ये चल रहा है। आपने लास्ट में अभी हमारा जो वैदिक पीरियड है वहां पे भी पढ़ा होगा, तो पहले हमने वहां पे पढ़ा था कि वहां पे डेमोक्रेसी चलती थी, राइट? डेमोक्रेसी मतलब जो भी रिप्रेजेंटेटिव है जनता को चूज करती थी, या अभी हमने जस्ट अभी पढ़ा। और उसके बाद में जब हमने लेटर वैदिक पीरियड पढ़ा था, तो वहां पर एक किंगशिप चलती है, ठीक है? वहां पे एक राजा होता है, ठीक है, जो कि मतलब राजा का बेटा फिर राजा बनता है, इस टाइप से। तो मोनार्ची वाला सिस्टम यही होता है कि वहां पर कोई किंग या जो क्वीन है वो लीड करती है, वो चलाती है, वहां पे कोई डेमोक्रेसी नहीं है कि वहां पे कोई जनता द्वारा कोई एक इंसान जो है, पॉपुलेशन या पीपल है, उसने कोई एक अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज किया है, वो वहां पर जो है गवर्नमेंट चला रहा है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता। तो इस टाइप वाले में क्या होता है कि जैसे मेरे फादर यहाँ के किंग थे, तो उनके बेटे फिर बैठेंगे, या किंग और क्वीन जो है, फादर मदर, इसी को मतलब पितृसत्तात्मक ऐसे फॉलो किया जाता है। और जो भी ये रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, इसे भगवान तुल्य माना गया है धरती पे, ठीक है? ये जो भी है, इन्हें, इनके पास में कोई लॉज नहीं होते, इन्होंने जो कह दिया वो अपने आप में लॉ बन जाएगा। जैसे हमारे यहाँ पर हम कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते हैं, कि शपथ भी होती है ना कि मैं संविधान की कसम खाता हूँ, ठीक है? तो ऐसा कुछ नहीं है, इन्होंने जो कहा है वही इनके लिए लॉ बन जाएगा, वही संविधान बन जाएगा, ये किसी चीज को फॉलो नहीं करते हैं। फिर अगर आप दूसरे के ऊपर बात करें, तो डिक्टेटरशिप, ठीक है, डिक्टेटरशिप जो है वो देखते हैं। तो यहाँ पर आपको याद होगा एक सबसे बड़े हिटलर का नाम, राइट? हिटलर, बस हिटलर को समझा दिया है, तो आई थिंक ऑलमोस्ट आपको पूरा ही डिक्टेटरशिप जो है वो समझ में आ चुका होगा। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर जितनी भी जो गवर्नमेंट होती है, जो अथॉरिटी, जो पावर होता है, वो सिर्फ एक इंसान द्वारा एंजॉय किया जाता है। उसको पूरे पावर्स होते हैं, उसको पूरी अथॉरिटी होती है, वहां के इंडिविजुअल्स के पास में कोई भी राइट्स नहीं है, कोई फ्रीडम नहीं है, वो सिर्फ डिक्टेट करता है, डिक्टेटरशिप, ठीक है? इसलिए हमने इसको क्या नाम दिया, डिक्टेटरशिप, कि जो सामने वाला जो एक पर्सन जो गवर्नमेंट चला रहा है, जो अपने आप को पूरी गवर्नमेंट, जिसके पास पूरी अथॉरिटी है, पावर्स है, तो वो डिक्टेट करता है लोगों को, उसके अकॉर्डिंग ही वो पूरी जो पॉपुलेशन है, जो इंडिविजुअल्स है, वो चल रहे हैं, ठीक है? और जो हिटलर है वो एक डिक्टेटर ही था। तो ये डिक्टेटरशिप हो गई जिसके बारे में हमने बात किया है। अब आपका काम है कि आप इन कमेंट्स में मुझे बताएंगे कि कहाँ मोनार्ची थी और कहाँ पर डिक्टेटरशिप थी, राइट? चलो अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट के ऊपर, जो कि है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी पढ़ने के लिए आपको बहुत इजीली आप समझ सकते हैं, और इसलिए समझ सकते हैं क्योंकि हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं, और हमारे यहाँ की जो गवर्नमेंट है वो डेमोक्रेसी के ऊपर बेस्ड है, या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, जो कि मैं आपको लास्ट कुछ वीडियोस में इन एंशियंट हिस्ट्री और इसी वीडियो के स्टार्टिंग में भी बता चुकी हूँ कि एक्चुअल में डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है। तो डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे जो पीपल्स है, जो यहाँ पे इंडिविजुअल रह रहे हैं, वो खुद अपना लीडर चूज कर रहे हैं, जिस जो आपके ऊपर आपका किंग होगा, क्वीन होंगी, जो भी आपके ऊपर हुकूमत करने वाला है, जो आपको इंस्ट्रक्शंस देने वाला, आपके लिए रूल्स और रेगुलेशंस बना रहे हैं, यानी आप अपनी गवर्नमेंट खुद चूज कर रहे हैं। जो हमने गवर्नमेंट में देखा था ना कि इलेक्टेड इलेक्शन ऑफ
इलेक्ट आर रिप्रेजेंटेटिव, तो वही वाली चीज। ठीक है, अब डेमोक्रेसी का मतलब जो है ये ग्रीक वर्ड है और ये दो वर्ड से बना है, डेमो एंड क्रेटिया। डेमो का मतलब होता है पीपल और क्रेटिया का मतलब होता है रूल। ठीक है, तो डेमोक्रेसी इज द रूल बाय द पीपल, मतलब जो रूल्स बन रहे हैं वो पीपल द्वारा ही बन रहे हैं, इट इज कॉल्ड डेमोक्रेसी। तो सिंपल सा मीनिंग है, अगर आपको एग्जाम में आता है तो आपको ये लिखना है। अब्राहम लिंकन ने एक स्टेटमेंट दिया या इन्होंने एक बात कही कि द गवर्नमेंट ऑफ द गवर्नमेंट पीपल बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल इट्स डेमोक्रेसी। देखो, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल मतलब क्या हुआ कि जो जनता की गवर्नमेंट है, ठीक है, जो पीपल्स की गवर्नमेंट है, बाय द पीपल, ठीक है, मतलब जो पीपल द्वारा बनी हुई है, और फॉर द पीपल जो पीपल्स के लिए ही है। मींस क्या हुआ कि आपका जो पूरा पीपल का ग्रुप है, आपकी जो पूरी कंट्री है, तो जो भी गवर्नमेंट आएंगी वो आप ही के लिए तो काम करेंगी, लेकिन वो गवर्नमेंट भी आपके बीच में से ही गई है। तो इसलिए इन्होंने कहा है द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, राइट, कि ये जो गवर्नमेंट है वो आप ही के द्वारा जाएंगी, आप ही की गवर्नमेंट है और आप ही के लिए काम करने वाली है। मींस हमने शुरू में एक चीज देखी थी ना कि हमारे रिप्रेजेंटेटिव हम अपने बीच में से चुनते हैं। सपोज हमारे मतलब ये हमारा शहर है, राइट, ये हमारा, ठीक है, हमारी हमारी कॉलोनी है, हम एक पार्षद चूज कर रहे हैं। ठीक है, अब हमने एक पार्षद सेलेक्ट किया इस महाशय को और कहा है, मतलब ये हुआ, ये डोर टू डोर गए कि भैया हम नाली खुदवा देंगे, हम रोड बनवा देंगे, हम पार्क बनवा देंगे, हम हेडपंप हो जाएंगे, नल बन जाएंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इन्होंने इतने बड़े बड़े अपने वादे, मतलब प्रोमिसेस कर दिया आपको। तो अब ये जितनी लिस्ट बनी थी, टू डू लिस्ट जो कि मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, तो ये पूरे इंडिविजुअल्स की थी, मतलब इस कॉलोनी में रहने वाले हर एक इंसान के लिए था, राइट। अब ये हर एक इंसान के लिए था, तो यहाँ पे ये जो पार्षद है तो ये आपको रिप्रेजेंट करेगा इन नगर पालिका और नगर पंचायत। क्लियर, मतलब ये इतने सारे लोग तो उठ करके नहीं जाने वाले कि भैया मुझे नाली चाहिए, मुझे रोड चाहिए, आप मेरे लिए क्रिएट बनाओ, अभी बनाओ। ठीक है, ये तो हो नहीं सकता, दैट्स नॉट पॉसिबल। तो अब क्या हुआ कि हमने एक रिप्रेजेंटेटिव चूज किया है, हमने थ्रू इलेक्शन इस बंदे को हायर किया कि भैया ये हमारे बीच में से, ये कोई भी हो सकता है, ठीक है, मैं हो सकती हूँ, आप हो सकते हो, कोई भी हो, बस हमने एक हमारी आपसी सहमति से इसे चूज कर लिया। मतलब इलेक्शन में जब खड़े होते हैं तो हम इसे वोट देके चूज करते हैं। बहुत सारे लोग हैं, ये भी खड़ा हुआ था, ये भी खड़े हुए थे, लेकिन हमने इस इंसान को चूज किया, हमें लगा ये हमारी ज्यादा सुनेगा, तो हमने इसको चूज किया और ये जाके यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है हमें। हमने जो लिस्ट दी थी कि भाई हमारे काम पहले करवाने हैं, ठीक है, मेरी गली की रोड खराब है तो मुझे वो रोड पहले बनवानी है। तो ये लाइन का मतलब मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाह रही थी कि द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। आई थिंक ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा कि हमारे ही बीच में से हमने एक रिप्रेजेंटेटिव चूज किया और फिर हमने रिप्रेजेंटेटिव चूज किया और वो भी किस लिए, हमारे लिए ही, ठीक है, हमारे लिए ही, और जो गवर्नमेंट बनी है वो भी हम में से एक ही इंसान गया है। तो आई थिंक इट्स सफिशियंट टू अंडरस्टैंड दिस स्टेटमेंट, राइट। अब थोड़ा और आगे जाए तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के ऊपर और थोड़ी बात करें, तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में क्या होता है, जो इलेक्शन मेथड होती है वो मैंने आपको बता दिया कि द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द गवर्नमेंट, इन दिस वे द पीपल चूज देयर गवर्नमेंट एट द टाइम ऑफ इलेक्शन, कि जब भी इलेक्शंस होते हैं। मैंने आपको जो डायग्राम पार्षद वाला समझाया था, सेम जो है वो बड़े लेवल पे भी बढ़ते जाएगा, आपको अपने MLA चाहिए, ठीक है, जो भी चाहिए, तो आप इसी तरीके से इलेक्शन से MPs और MLA भी चूज करते हैं। हमने तो अभी वार्ड पार्षद के बारे में बात की, ठीक है, तो इसी तरीके से अगर हम MLA के ऊपर बात करें तो इतने सारे लोगों में से हमने दो लोगों को चूज किया, तो ये एक को हमने MLA के लिए किया और एक को हमने किया चूज किसके लिए, MP के लिए। मतलब हमारे बीच में से हमने जो रिप्रेजेंटेटिव सिलेक्ट किए थे उसको ज्यादा मेजॉरिटी मिली वोट्स की, ठीक है। अब जो इलेक्शंस होते हैं वो टाइम टू टाइम हेल्ड होते हैं, हमारे यहाँ पर जो टाइम ऑफ पीरियड है गवर्नमेंट का वो कितने टाइम के लिए होती है, हमारे यहाँ 5 years के लिए होती है, ठीक है, अगर हम UK US की बात करें तो वहाँ 4 years के लिए होती है अमेरिका में, लेकिन हमारे यहाँ पर जो गवर्नमेंट चूज की जाती है वो 4-5 years के लिए चूज की जाती है, राइट। तो अब टाइम टू टाइम हमारे यहाँ इलेक्शंस होते हैं और एवरी सिटीजन हैज द राइट टू वोट, ठीक है, मतलब जितने भी सिटीजन्स है हमारे यहाँ
यहाँ पर अगर वो एलिजिबल है, मतलब हर एक इंसान को वोट का हक है, अगर वो क्राइटेरिया जो है वो डन कर चुका है, मींस वो 18 ईयर कंप्लीट हो चुका है, डजंट मैटर कि वो मेल है या फीमेल है, बट उसके पास में राइट टू वोट है, वो वोट दे सकता है. क्लियर? पहले ये जो अधिकार है वो हर किसी के लिए नहीं होते थे. हमने जब हम कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग पढ़ेंगे तो उस टाइम में ये राइट्स हर किसी के पास नहीं थे, लेकिन फिर बाद में जो चीजें हैं सुधरते गई. जैसे जब हम कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में देखेंगे तो पहले कुछ लोगों को ही था, फिर जब हम आगे अगर वैदिक पीरियड में भी देखेंगे तो सभा और समिति बन करके थे, तो वहां पर सिर्फ सभा को था जो कि मेन मेन कुछ लोगों की ही जो क्या कहना चाहिए, एक समिति बन सकती थी, है ना, एक क्या मुझे एक प्रॉपर वर्ड नहीं आ रहा है, एक कमिटी बोल सकते हैं, राइट, तो वो बनती थी, असेंबली इज राइट, असेंबली, तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन ही, उसमें इल्डर और कुछ एजुकेटेड लोग ही हुआ करते थे. लेकिन अब हमारे पास में सारे लोगों को मतलब राइट है कि वो इलेक्शन दे दे, और इलेक्शन जो है वो गवर्नमेंट द्वारा, मतलब टाइम टू टाइम जो इलेक्शन कमीशन है उसके द्वारा हेल्ड किया जाता है, जिसमें जो पीपल्स है वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करते हैं उनके बिहाफ पे, मतलब वो अपने बिहाफ पे उनको चूज करते हैं कि हम उसमें डायरेक्टली पार्टिसिपेट ना करके हम इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट कर रहे हैं कि इस इंसान को हमने भेजा है तो ये हमारे बिहाफ पे वहां पर हमारी बातों को रखेंगे. द गवर्नमेंट, द इलेक्टेड गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स एक्ट टुवर्ड पीपल इन द डेमोक्रेटिक सिस्टम. डेफिनेटली अगर हमने आपको चूज करके गवर्नमेंट में भेजा है तो हमें ही ये राइट भी है कि अगर आप हमारी बातें नहीं सुन रहे हो तो भैया नेक्स्ट इलेक्शन आने वाला है, हम आपको वोट नहीं देने वाले हैं. ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में होता है. द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द गवर्नमेंट इन दीज वे पीपल चूज देयर गवर्नमेंट एट द टाइम ऑफ इलेक्शन. दूस they are given the right to vote. Election are held at a regular interval in the country. They enable the people to choose their representative who act in their behalf. यही बात मैंने आपको explain की कि जो भी representative होता है वो आपके behalf पे आपको represent करने जाता है. In current condition या current era ये चीज जो है सिर्फ एक लिखी हुई बात रह गई है जो कि अब होता नहीं है. ठीक है, अब तो हमारे जो representative होते हैं उनके दर्शन ही दुर्लभ हो गए हैं, right? तो हाँ, लेकिन आप ये बदला लेना चाहते हो तो नेक्स्ट इलेक्शन में आप उन्हें वोट ना दे करके भी कर सकते हैं. तो इसलिए जो भी आप अपना रिप्रेजेंटेटिव चुने वो अच्छा हो, बेहतर हो, ताकि क्या है, आपको अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करे इन गवर्नमेंट. इंडिया हैज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी. इट ड्रॉ इट्स इंस्पिरेशन फ्रॉम ब्रिटेन विच इज कंसिडर्ड एज द मदर ऑफ ऑल मॉडर्न डेमोक्रेसीज. हमारी जो इंडिया है हमने भी डेमोक्रेसी को एडॉप्ट किया है, और हमारे यहाँ की जो डेमोक्रेसी है वो वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, क्योंकि हमारे यहाँ की पॉपुलेशन भी बहुत बड़ी है. और जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन को मदर ऑफ ऑल जो मॉडर्न डेमोक्रेसीज है वो उसको कहा जाता है. तो हमने हमारे यहाँ की जो गवर्नमेंट टाइप है, जो डेमोक्रेसी है, वो हमने ब्रिटेन से अडॉप्ट किया है, उसे इंस्पायर होकर के लिया हुआ है. तो यस, इंडिया इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट democracy has the right. Democracy was established in India after a long struggle against the British government. हाँ, democracy जब establish होती है in India, अगर आप बात अब आप कहेंगे कि मैम democracy जो है वो वैदिक period में ही establish हो चुकी थी, ऋग्वैदिक काल में, क्योंकि आर्यन जो है, आर्यन में भी सभा समिति में भी जो king है, राजन है, वो through democracy ही जो है वो choose किया जाता था. तो मैं आपको बता दूं, जब हमने letter वैदिक period पढ़ा हुआ था तो हमने वहां देखा था कि वहां पे किंग जो है वो मतलब फैमिली टू फैमिलीज बनने लगा था, राइट? तो ये सिस्टम खत्म हो गया. फिर उसके बाद में हमारे यहाँ पे बहुत मतलब लंबा सिस्टम चला, जनपद आए, महाजनपद आए, देन हमारे यहाँ मुगल आए और बहुत सारे लोग आके गए. फिर हमने एक बहुत बड़ी फाइट लड़ी ब्रिटिशर्स के खिलाफ. हमें किसने रन किया? हमारे पास मतलब जो है हमारे ऊपर जो जिसका कंट्रोल था वो ब्रिटिश गवर्नमेंट का था, ब्रिटिशर्स का था. जब ब्रिटिशर्स 1947 में जब यहाँ से खत्म हो गए, तब हमने 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एस्टेब्लिश होता है, मतलब बनना तो पहले ही शुरू हो गया था, लेकिन हम उस डेट से हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन को रन करते हैं. तो हमारे यहाँ की जो डेमोक्रेसी है उसी टाइम से शुरू हो जाती है कि इंडिया जो है
है वो डेमोक्रेसी को एडॉप्ट करेगा। अब यहाँ पर कोई एक इंसान जो है वो सत्ता नहीं चला सकता, वो अपना रिप्रेजेंटेटिव खुद चूज करेगा। उस टाइम में मतलब जो शुरुआती दौर था वहां पर जो राइट टू वोट था, इलेक्शन था, वो हर किसी के पास नहीं था जब जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग हो रही थी उस टाइम की। फिर जब आगे बात पढ़ते गई तो हमारे पास में राइट टू इलेक्शन जो है वो भी मिल गया। ओके, देयर आर अदर कंट्रीज इन द वर्ल्ड हु हैव स्ट्रगल फॉर डेमोक्रेसी एज देयर फॉर्म ऑफ गवर्नेंस। अब इसके साथ में जिस तरीके से इंडिया ने ब्रिटिश के साथ में एक लंबा स्ट्रगल किया है, क्योंकि ब्रिटिशर्स को भगाना था, क्योंकि वो आपके ऊपर मतलब राज कर रहे थे, और जैसे ही ब्रिटिशर्स जाते हैं तो हमारे यहाँ पर हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन इस्टेब्लिश किया, और उसके साथ ही साथ हमने हमारी कंट्री को डेमोक्रेटिक कंट्री बना दिया। मतलब जो भी हमारा मतलब जो भी हमारे ऊपर मतलब हमारी गवर्नमेंट चलाएगा या हमारी कंट्री को चलाएगा वो हमारा ही रिप्रेजेंटेटिव होगा, कोई और नहीं होगा। ठीक है, जैसे कि पहले होता था ना इंग्लैंड की महारानी, तो ये जो सिस्टम था वो खत्म हो चुका था। राइट, पीपल एंजॉय वेरियस टाइप ऑफ फ्रीडम एंड राइट इन द डेमोक्रेटिक कंट्री। दे हैव द राइट टू एक्सप्रेस देयर व्यूज, प्रोफेस एंड रिलीजियस faith of their choice and for that even criticize the government. The success of democracy depends on the participation of alert and vigilant citizen. People consistently monitor the activity of the government, thus the government is accountable to the people. अब मैं आपको ये बात बता दूं कि जो मैंने आपको पहले बात कही थी कि आपकी जो representatives है, जो आपने choose किए हैं, वही government को चला रहे हैं, that means कि वो आपके लिए responsible है। ठीक है, आप उन्हें नेक्स्ट इलेक्शन में हटा भी सकते हो। और हमारे पास में जो जैसे ही हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन लगती है तो हमें बहुत सारी फ्रीडम मिल जाती है। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रीडम, राइट इन मतलब राइट्स इन डेमोक्रेटिक कंट्री। हमारे पास में अपने थॉट्स एक्सप्रेस करने की फ्रीडम है, अपने रिलीजियस बिलीव्स को मानने की है, हम कोई भी रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ आ जा सकते हैं, हमें हमारे फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं। इवन हमें क्रिटिसाइज, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज का भी राइट है। क्यों? क्योंकि वो गवर्नमेंट ही हमने बनाई है, तो हम उसको क्रिटिसाइज क्यों नहीं कर सकते। तो जो एक डेमोक्रेसी है वो सक्सेस कब होती है, जब वहां पे जो सिटीजन होते हैं उसका एकदम इक्वल पार्टिसिपेंट हो। ठीक है, वो अलर्ट हो, वो अच्छी तरीके से वहां पार्टिसिपेट करे, क्योंकि डेमोक्रेटिक कंट्री में अगर आप एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और वहां पे उसकी गवर्नमेंट की सक्सेसफुल जो है सक्सेस उसी पे डिपेंड करती है कि वहां के सिटीजन भी उसमें इक्वली पार्टिसिपेट करें। अगर मैं वोट नहीं करूं तो आप कैसे रिप्रेजेंटेटिव बन सकते हैं हमारे? बिल्कुल नहीं बन सकते हैं। ठीक है, फिर हम टाइम टू टाइम उनसे क्रिटिसाइज करते हैं, मतलब वो कहते हैं ना कि हम हड़ताल करते हैं, हम उन्हें बोलते हैं कि भाई हमने तो आपको वोट दिया था, आप हमारे काम नहीं कर रहे हो, जो आए दिन हम न्यूज़पेपर और चैनल्स में देखा करते हैं। तो सिमिलरली और जो पीपल्स होते हैं वो उन्हें मॉनिटर करते हैं। ठीक है, उनकी एक्टिविटीज को देखते हैं, उनकी जो जितनी भी एक्टिविटीज होती है उन्हें मॉनिटर करते हैं। तो गवर्नमेंट जो है वो अकाउंटेबल होती है पीपल के लिए, क्योंकि भाई उन्होंने ही आपको वहां लाया है, तो आप उसके लिए जिम्मेदार होंगे। क्लियर? People do not rule directly in a country with a democratic government. हाँ, देखो जो peoples होते हैं, जो जनता होती है, वो directly तो वहाँ पर मतलब role play नहीं करती है democratic country में, लेकिन वो with the help of their representative जो है democracy में, वो वहाँ पर indirectly participate करती है, जो चीज़ें मैं आपको इन lecture बहुत time से बताते आ रही हूँ। Countries which are large in size often have representative democracy in which people elect their representative to legislature. ठीक है, जो भी हम लेजिस्लेचर में जब हमने देखा कि वो रूल्स और रेगुलेशंस बनाते हैं, जिन्हें क्रिएट करती है एग्जीक्यूटिव, जो एग्जीक्यूट करती है एग्जीक्यूटिव, तो वहां पे जो लोग भेजे जाते हैं वो हमारे ही रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जो हम चूज करके वहां पर इन्हें भेजते हैं। Representatives in turn from the government and govern the country. ठीक है, अब जो representatives होते हैं, जो हमने चूज किए हैं, वही बन जाते हैं हमारी government. ठीक है, जैसे कि मोदी जी पहले कौन थे? CM थे। हमने उन्हें CM के लिए अपॉइंट किया था, मतलब हमने उन्हें वोट दिया था, हमने CM बनाया, फिर हमने उन्हें वोट देते देते हमने उन्हें प्राइम मिनिस्टर तक के बना दिया। तो वो तो पहले हमारे रिप्रेजेंटेटिव थे, वो हमारे ही बीच के एक इंसान है, राइट? मतलब हमारा ही जो ग्रुप था उसी बीच के एक इंसान थे, फिर हमने उसको उन्हें शुरू से हमने अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाते बनाते हमने उन्हें जो प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन है वहां तक के उन्हें पहुंचा दिया, राइट?
अब वहां तक ये पहुंचा दिया तो ये तो कन्वर्ट हो गए। जो भी इंसान सत्ता में आता है तो वो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट बन जाता है, इवन आर पार्षद टू, वार्ड पार्षद टू, राइट। तो ये बन गए हमारी कौन, गवर्नमेंट, ठीक है। और ये हमारी फिर कंट्री को गवर्न करते हैं, चलाते हैं। इन दिस टाइप ऑफ डेमोक्रेसी अ गवर्नमेंट बेस्ड ऑन मेजोरिटी इज अलाउड टू टेक इम्पोर्टेंट डिसीजन ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल एंड वर्क फॉर देयर वेलफेयर। अब ये वाली बात जो है ना, मेजोरिटी वाली, मैंने आपको पहले भी बताई थी, जो राज्यसभा लोकसभा में बताई थी, और फिर जो प्राइम जो प्रेसिडेंट है वो उसे साइन कर देते हैं तो वो डिसीजन बन जाता है। तो अब हम यहाँ पर कैसे बात करें, जैसे कि बीजेपी की ज्यादा सीट जाती है तो बीजेपी के जो मतलब जीत गई सीट तो उनके रिप्रेजेंटेटिव बन गए सीएम, और उन्हीं के रिप्रेजेंटेटिव बन गए जाकर के कौन बन गए, प्राइम मिनिस्टर, राइट। तो ऐसे ही जब डेमोक्रेसी में आते हैं तो जो गवर्नमेंट होती है तो जितने भी होते हैं वो किसके ऊपर होते हैं, मेजोरिटी के ऊपर, कि जिसके ऊपर सबसे ज्यादा मेजोरिटी मिलेगी तो जैसे जिसको ज्यादा मेजोरिटी मिली है डिसीजन जो है ये फॉलो होगा, ये डिसीजन ही मतलब लोगों के बिहाफ पे। अब जैसे कि एक बिल, तो अब इस बिल पे मेजोरिटी चाहिए, ठीक है, तो हो सकता है कि जो हमारे द्वारा जो रिप्रेजेंटेटिव है, हमने बहुत सारे चूज किए तो उनकी मेजोरिटी इसके ऊपर जा रही है, बीजेपी, बीजेपी वालों ने ही इसे पास कर दिया, ये कांग्रेस वालों ने, मतलब जो रिप्रेजेंटेटिव्स हमारे गए हैं वो इसको बताएंगे कि भाई ये सही है या गलत है, किसके बिहाफ में, हमारे, क्योंकि हम सब तो एक साथ वहां जा नहीं सकते, हमने ही उन्हें हमें लीड करने के लिए भेजा है। गवर्नमेंट इज नोन एज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। अब रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी क्यों है, क्योंकि ये जो लोग हैं वो आपको रिप्रेजेंटेट करने के लिए जा रहे हैं, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। अब हम पढ़ रहे हैं यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज। अब ये वाली जो टर्म है UAS वाली, तो मैं आपको क्लियर कर दूं, मैंने आपको पहले बताया था कि हर किसी को राइट टू वोट नहीं था, लेकिन अब है, ठीक है, ये वाली जो बात है वो है। तो इसके लिए एक बहुत बड़ा स्ट्रगल भी बीच में आता है, तो अब हम उसे ही पढ़ने वाले हैं। द यूनिवर्स एडल्ट फ्रेंचाइजी में अगर हम पढ़ने जाए तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि हर किसी को वोट करने का राइट नहीं था, ठीक है। अगर हम शुरू से बात करें कि मतलब बहुत पहले से, कि आज हम मतलब 18, अगर आप 18 हो जाते हैं, आप 18 प्लस है, तो आपको यू हैव टू राइट टू वोट, ठीक है, आप इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन जब हम एंशियंट एरा से देखें, बहुत टाइम पहले से देखें, तो वुमेन्स को ये राइट नहीं था, राइट, ये राइट नहीं था। लेकिन अब विद द हेल्प ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज अब हमें ये राइट मिल चुका है कि हर एक इंसान जो एडल्ट है वो वोट दे सकता है। बट उस टाइम में ये फैसिलिटी नहीं थी, क्योंकि उस टाइम क्या होता था, मतलब सिंपल ही है कि जो वुमेन्स है वो घर का स्टफ देखा करती थी और जो मैन है वो सोशल वर्क किया करते थे। तो एक माइंड सेट या मेंटेलिटी जो है वो क्रिएट हो चुकी थी हर किसी में। वैदिक इरा में तो हमने पढ़ा था कि दोनों ही इक्वली जो है, दोनों को इक्वली ऑर्गेनाइज मतलब इक्वली डेवोटेटेड होती थी, वो इक्वली पार्टिसिपेट कर सकते हैं दोनों किसी भी काम में, ठीक है। लेकिन आपके टाइम में क्या हो गया था कि मेन को ज्यादा पावर मिल गया और वुमेन्स जो है उन्हें बहुत कम पावर मिले। तो यही चीज जो है, अगर हम बात करें कि जो इलेक्शंस है तो यहाँ पर भी सेम प्रोसेस हुई कि इलेक्शन में वुमेन को जो है मतलब यहाँ पे वो डिस्क्रिमिनेशन का जो है ना वो हिस्सा बनना पड़ा उन्हें, तो हर कोई जो है वो उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकता था, ठीक है। और एक्चुअली हमारी डेमोक्रेटिक कंट्री क्या कहती है कि डेमोक्रेटिक कंट्री वो रहेंगी जहाँ पे हर कोई एडल्ट जो है विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन वहां पर पार्टिसिपेट कर सकता है, राइट। मतलब हर एक इंसान जो है वो अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसको राइट है कि वो अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज कर सकता है। बट पहले वुमेन्स जो है उसको ये राइट नहीं था, वुमेन वर गिवन वोटिंग राइट मच लेटर देन मेन इन मोस्ट ऑफ कंट्रीज, की बहुत सारी ऐसी कंट्रीज थी जहां पर ये राइट जो है उन्हें बहुत बाद में दिया गया। ट्रेडिशनली रीजन हमने देखे कि जो लेबर वर्क होता है, जो सोशल है, वहां पर मेन चले जाते थे और जो हाउसहोल्ड होते थे वो वुमेन्स देखती थी। तो इस चक्कर में घर के काम करने के चक्कर में वो इतनी उसकी मतलब दयनीय अवस्था हो गई कि इससे ये हक भी जो है वहां पे छीन ले गए और ये यहाँ पर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जो है वो फेस करना पड़ा, बहुत सारा स्ट्रगल करना पड़ा। UAF आया,
ठीक है, उसके बाद में ये हुआ कि हर एक एडल्ट जो है, यूनिवर्सल एडल्ट जो है, वो वोट देने का अधिकारी है, उसको राइट है, राइट टू वोट है, तो वो दे सकता है। अगर हम वुमेन डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर बात करें तो यहाँ पे हमें बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। ठीक है, पहले मैं कुछ कीवर्ड जो है वो क्लियर कर दूँ। ट्रेडिशनली डिविजन ऑफ लेबर विद इन द फैमिलीज हैड बीन सच दैट मेन वर एक्सपेक्टेड टू गो आउट ऑफ होम एंड अर्न लीवहुड फॉर द फैमिली विल वुमेन वर एक्सपेक्टेड टू लुक आफ्टर द हाउसहोल्ड अफेयर्स। ये बात मैंने आपको वही बताई। इट वॉज ऑल्सो बिलीव दैट सीन्स मैन हैड ग्रेटर सोशल इंटरेक्शन, दे वुड बी बेटर इन्फॉर्म अबाउट द अफेयर ऑफ द नेशन एंड हींस मोर कैपेबल देन वुमेन। अब भाई सिर्फ इसीलिए आपने मैन को ज्यादा कैपेबल समझ लिया जस्ट बिकॉज कि वो सोशल इंटरेक्ट होता है, तो ये नहीं है, क्योंकि घर में भी बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो मतलब काफी हेल्पफुल है ना। मंगल मिशन सभी ने देखा है, राइट? तो जब मैन जो है वो बाहर इंटरेक्ट होता था तो इससे ये समझ लिया गया कि उसका सोशल इंटरेक्शन ज्यादा अच्छा है तो वो एक्सटर्नल अफेयर्स के बारे में ज्यादा जानता है मोर देन वुमेन। तो इसीलिए सिर्फ जो इलेक्शन का या वोटिंग का जो राइट है वो सिर्फ कहाँ तक के रखा गया, मेन तक के ही रखा। तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज लीव नो स्पेस फॉर डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन, रेस, कास्ट एंड सेक्स। ठीक है, जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है या UAF है, वो किसी भी बिहाफ पे आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता, आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता ऑन बिहाफ ऑफ क्या, या ऑन बेसिस ऑफ आपका रिलीजन कोई भी हो, डजेंट मैटर आप किससे बिलोंग करते हो, रेस, आपका कास्ट, आपका जो जेंडर है, किसी भी बिहाफ पे आपसे कोई भी डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है। जब हम कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग देख रहे थे तब हमने देखा था कि एक मुस्लिम लीग अलग बैठा हुआ था। ठीक है, इन चीजों को हम थोड़ा आगे चल के और डिटेल में देखेंगे। द रेनफोर्स वंस फेथ इन डेमोक्रेसी विच ट्रीट एवरी वन ऑन एन इक्वल बेसिस। जो हमारी यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी है या जो डेमोक्रेसी है, वो हर एक एडल्ट को, हर एक इंसान को, हर एक इंडिविजुअल को सेम बेसिस पे ट्रीट करता है। हमारे यहाँ कोई भी भेदभाव नहीं है। और UAE यही बात करता है, UAF, कि हर एक जो है वो इक्वल है, किसी के साथ में कोई भी भेदभाव नहीं है। These days the government can't call itself democratic if it does not allow the right to vote or universal adult franchise to all its citizen at the time of election. अगर आप अपने जो डेमोक्रेटिक, अगर आप डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, राइट, अगर आपके यहाँ डेमोक्रेसी है, तो आप अपने आप को डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट तब तक के नहीं कह सकते हो जब तक कि आपके यहाँ हर एक इंसान को राइट टू वोट नहीं है। अगर आपके पास राइट टू वोट नहीं है, आप किसी को डिस्क्रिमिनेट करते हो किसी भी बिहाफ पे, तो आप ये नहीं बोल सकते कि भाई आपके पास में आपकी जो कंट्री है वो डेमोक्रेटिक कंट्री है। अगर आप हर किसी को राइट टू वोट देते हो तो यस, यू कैन से यू आर अ पार्ट ऑफ डेमोक्रेटिक कंट्री और योर कंट्री इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। क्लियर? अब हम बात करते हैं कि फीमेल्स की एंट्री कब हुई इन वोटिंग या इन इलेक्शन, राइट, कि कैसे। भैया ये एक बहुत बड़ी वो थी, मतलब स्ट्रगल था, बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ा, और उसके बाद में ही जो फीमेल्स है वो इसमें शुरू होती है इन 1848। ठीक है, एक मूवमेंट स्टार्ट होता है सफ्रगेट, ठीक है, अमेरिका में, फिर उसके बाद में ब्रिटेन में शुरू होता है इन 1870 में। तो ये सब क्या करते हैं, एक पिटिशन दायर करते हैं क्योंकि इन्हें भी इक्वली उसमें पार्टिसिपेट करना होता है। और होता यू है कि जो इनके ऑक्यूप मतलब जो भी ये काम करती है तो उनको उतने वेजेस नहीं मिलते हैं जितने मेन को मिलते हैं। ठीक है, मतलब आप हर जगह इक्वली काम कर रही है लेकिन फिर भी आपको सैलरी कम मिल रही है, आपको राइट टू वोट नहीं है, और जबकि आप सेम काम कर रही है। ठीक है, कई कंपनीज में इन्हें उतना इक्वल वेजेस नहीं मिलते थे, इन्हें राइट टू वोट नहीं है। तो सबसे पहले इन 1848 में अमेरिका में ये मूवमेंट जो है वो स्टार्ट होता है, उसके बाद में 1870 में ये जो है ब्रिटेन में होता है। सिमिलरली ये ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, हर जगह जो है ये जो मूवमेंट है ये स्टार्ट होते जाते हैं, और जो मतलब ये हर जगह स्प्रेड होते हैं। दिस मूवमेंट इज स्प्रेड इन मेनी अदर कंट्रीज टू एज अ रिजल्ट कि जो वुमेन्स है उन्हें मतलब वुमेन गॉट द राइट टू वोट एवरीवेयर। ठीक है, जितनी भी कंट्रीज में ये मूवमेंट होते हैं तो हर एक कंट्री में इन्हें मूवमेंट ऑफ जो सॉरी जो राइट टू वोट है वो मिल जाता है। ये मूवमेंट हर जगह फैलते हैं। 1848 से स्टार्ट होता है इन अमेरिका में, फिर ब्रिटेन में शुरू होता है 1870 में, न्यूजीलैंड में 1893 में स्टार्ट होता है।
सिमिलरली ऑस्ट्रेलिया में 1902 में स्टार्ट हुआ, यूएसए में 1920 में होता है, फ्रांस में 1945 में होता है, और इसका रिजल्ट ये होता है कि हर एक वुमेन को राइट टू वोट मिल जाता है इन डेमोक्रेसी, क्योंकि पहले नहीं था, अब वो मान लेती है. इट इज टू द क्रेडिट ऑफ इंडिया दैट द फर्स्ट जनरल इलेक्शन हेल्ड इन द कंट्री इन 1952 वर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, कि हमारे यहाँ पर जो पहला जो वोट इस्टेब्लिश होता है या जो हेल्ड होता है, तो वहां पर हमने पहले से ही वुमेन को इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए या इसमें ऐड किया गया, क्योंकि हमने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज जो है इसको पहले से ही हमारे यहाँ शामिल कर दिया था, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि अब हमारे यहाँ की वुमेन जो है कोई मूवमेंट या है ना कोई स्ट्रगल और करे. टुडे वुमेन फाइट फॉर अ ग्रेटर रिप्रेजेंटेशन इन लेजिस्लेचर, द बेसिस ऑफ डेमोक्रेसी इन इज इक्वालिटी, द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी ट्रूली एड्स मीनिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी. ये जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है, ये ट्रूली मतलब एक तरीके से डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट जो है वो ऐड करता है, क्योंकि सिंपली क्योंकि डेमोक्रेसी ही कहती है कि हर एक इंसान, क्योंकि जो डेमोक्रेसी है ना, पीपल गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, तो वो कॉन्सेप्ट ही यही है कि आप हर कोई उसमें बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करे. वो कहते हैं ना मतदान आपका हक है, तो यस मतदान आपका हक है, इलेक्शन या वोट देना आपका राइट है. तो इस राइट के लिए देखो जिसके पास नहीं था उसने कितना ज्यादा स्ट्रगल किया. अगर 1848 में अमेरिका में ये स्ट्रगल नहीं होता, ठीक है, तो क्या आज हम वोट दे पाते? बिल्कुल नहीं. तो ये तो हो गया मतलब जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, तो ये हो गया. लेकिन इसके बाद में एक फेस रेशियल डिस्क्रिमिनेशन जो है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन वो भी मतलब फेस करना होता है. तो कंट्रीज जैसे साउथ अफ्रीका और यूएसए है, तो वहां पर काले गोरे का भी भेद था. जो ब्लैक पीपल ऑफ द कंट्रीज थे तो वो डिस्क्रिमिनेटेड थे बाय द वाइट्स, कि वहां पर ब्लैक पीपल और वाइट पीपल, हम कहते हैं ना कि काले गोरे का भेद नहीं यहाँ पर, बट कुछ कंट्रीज ऐसी थी जहां पर ये भेद किया जाता था, कि वहां पर जो गोरे दिखने वाले इंसान है वो खुद अपनी कंट्री मतलब अपनी गवर्नमेंट बना रहे हैं, वहां पे उस डेमोक्रेसी में जो काले दिखने वाले लोग हैं, जो ब्लैक मैन हैं, उसको पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे. आपको याद होगा जब हम महात्मा गांधी वाला देख रहे थे, किसी चैप्टर में हमने पढ़ा था, तो यही हुआ था. क्लियर? तो सेम अब जो साउथ अफ्रीका और यूएसए में जब ये वाला रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, फेस रेशियल डिस्क्रिमिनेशन चल रहा था, तो वहां पर यही होता था. द ब्लैक पीपल ऑफ एनी कंट्री वर टॉर्चर्ड एंड डिस्क्रिमिनेटेड बाय द वाइट्स, ठीक है. तो अब यहाँ पर क्या होता है कि जो अफ्रीकन्स थे वो और यूएसए, इनके अगेंस्ट नेल्सन मंडेला जो है वो आते हैं, और इनकी भी एक बहुत लंबी चौड़ी लड़ाई होती है. और वो लड़ाई के बाद में ये होता है कि नेल्सन मंडेला जो है वहां के मतलब बहुत बड़ी फाइट उनके अगेंस्ट लड़ते हैं, और फिर वो क्या करते हैं, नेल्सन मंडेला अंडर द सुपरविजन ऑफ अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ऑर्गेनाइज्ड एन एंटी अपार्थाइड मूवमेंट. आई कांट प्रोनाउंस इट, बट हाँ, नेल्सन मंडेला जो है एक मूवमेंट स्टार्ट करते हैं इनके अगेंस्ट. और फाइनली ये होता है कि नेल्सन मंडेला जो है वो साउथ अफ्रीका में एज अ प्रेसिडेंट चुने जाते हैं, जो कि पहले ब्लैक पर्सन थे जो कि वहाँ के प्रेसिडेंट बने हुए थे. तो भाई ये सारी चीज हो गई हमारे गवर्नमेंट के बारे में. दिस इज ऑल अबाउट आर गवर्नमेंट. यहाँ पर हमने क्या क्या चीजें पढ़ ली है हमारी गवर्नमेंट में, हमने तो थोड़े बहुत मतलब मोमेंट्स भी पढ़ लिए हैं. एक्चुअल में हमने देखा कि गवर्नमेंट एक्चुअल में होती क्या है, ठीक है, गवर्नमेंट क्या होती है ये देख लिया हमने. अब इसके बाद में हमने देखा कि गवर्नमेंट के लेवल्स क्या होते हैं, गवर्नमेंट के टाइप्स क्या होते हैं. मैं सिर्फ इतना इतना ही लिख के बता रही हूँ, ठीक है. अब लेवल क्या होते हैं, फिर उसके बाद में हमने ये भी देख लिया कि एक्चुअल में इनके टाइप्स क्या होते हैं, ये काम कैसे करती है. यहाँ पर जो एक एक इंडिविजुअल होता है, जो पॉपुलेशन है या पीपल है, उनका रोल क्या है वो भी हमने देखा, वो कैसे इलेक्ट करती है गवर्नमेंट को हमने वो भी देखा है. और साथ ही साथ हमने यहाँ पर एक सबसे बड़ा पॉइंट देखा है, राइट टू वोट, जिसमें हमने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज भी पढ़ा है, जिसमें हमने जेंडर डिस्क्रिमिनेशन और जो फेस रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है ये भी पढ़ा है. अगर आप जेंडर रेशियल के बारे में आ रहे हो, तो आप ब्रिटेन, फ्रांस, यूके, यूएस, इनके जो वुमेन मूवमेंट्स है वो बता सकते हो. अगर फेस रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर बात कर रहे हैं, तो हम नेल्सन मंडेला को याद कर सकते हैं. तो आई होप आपको ये सारा लेक्चर पसंद आया होगा.
एज ऑलवेज यही कहूंगी कि अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आई एम ऑलवेज रेडी कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो। हम एक फिर वीडियो बना लेंगे आपके डाउट्स को लेकर के, फिर से एक्सप्लेन कर देंगे। थैंक यू।